हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है बिमस्टेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि बिमस्टेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी कंडक्ट करवानी थी और उसमें एक्चुअली नेपाल ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मतलब नेपाल इस बार इसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं कर रहा है, उसी को लेके कंटेक्स्ट है वो आया है। तो पहले तो हम बिमस्टेक के बारे में जानते हैं, फिर हम देखते हैं बिमस्टेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। देखो, बिमस्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यह एक है ना सब रीजनल ग्रुप है। क्योंकि देखो आपको बताऊं, जैसे कि सार्क ग्रुप है उसमें क्या है, साउथ एशिया की कंट्रीज, साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो उसमें बेसिकली मेंबर हैं। और आसियान में कौन सी हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो उस आसियान की मेंबर हैं। जबकि बिमस्टेक है ना, इसमें साउथ एशिया की कंट्री भी मेंबर है और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री भी मेंबर है। मतलब बिमस्टेक है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सार्क और आसियान कंट्रीज का मिक्सअप है। वो अलग बात है कि इसमें सारी सार्क कंट्रियां भी शामिल नहीं है और सारी इसमें आसियान कंट्री भी शामिल नहीं है, बट कुछ इसमें साउथ एशिया की कंट्री शामिल है। साउथ एशिया में बात करें तो हम इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, और नेपाल आता है। और इसी के साथ बात करें हम साउथ ईस्ट एशिया में तो आ जाता है म्यांमार और थाईलैंड। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो, बिमस्टेक है वो बनाया गया था 1997 में। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत बिमस्टेक का निर्माण है वो किया गया था, जिसका मेन काम था कि इकोनॉमिक और जो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसको सपोर्ट किया जाए और आपस में जो रिलेशन है उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किया जाए। इसी के साथ ही देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की गई थी, बहुत सारी बातें की गई थी। मतलब कोई एक डायमेंशन के लिए बेसिकली आसियान को नहीं बन सॉरी बिमस्टेक को नहीं बनाया गया था, काफी सारे डायमेंशन को लेके चला गया था। आप बात सकते हो कि इंडिया की इससे सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी, बाकी और कंट्री के रिलेशन भी इंप्रूव है वो होंगे। बट स्टार्टिंग में बेसिकली क्या था कि बे ऑफ बंगाल की जो नेबरिंग कंट्री है या जो पड़ोसी कंट्री है वो ही इसके मेंबर थी, बट उसके बाद धीरे धीरे नेपाल और कंट्री भी इसमें शामिल होती गई। तो अभी तक रिसेंटली इसमें 7 कंट्रीज के मेंबर हैं, उनके नाम हमें पता होना चाहिए। कई बार यूपीएससी क्या करती है, आसियान, सार्क और इसके साथ ही जो और हमारा ग्रुप है बिमस्टेक है, इनमें मतलब मैच द फॉलोइंग वगैरह के थ्रू पूछ लेती है कि कौन कौन सी कंट्री है उनमें कॉमन वगैरह है, किसका मेंबर है नहीं है, तो वहाँ पे हमें इनके मेंबर्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जैसा कि हमने काफी बार डिस्कस किया है कि जो आसियान ग्रुप है उसका इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया है आसियान प्लस 6 का मेंबर है, ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। आसियान में 10 कंट्रीज आती हैं, उन 10 में इंडिया नहीं है। इसके साथ आसियान को फिर आसियान प्लस 6 के नाम से जाना जाता है, उसमें इंडिया मेंबर है और आसियान प्लस 3 में भी इंडिया नहीं है। क्योंकि आसियान प्लस 3 में कौन कौन सी कंट्री आती है, चाइना आती है, कोरिया आता है और इसी के साथ जापान आता है। और आसियान प्लस 6 में कौन कौन सी आती है, चाइना, जापान, कोरिया तो हो ही होगी, इसके साथ 3 कंट्री और हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही न्यूजीलैंड। तो ये कंट्रीज बेसिकली इसमें मेंबर हैं वो होती हैं। तो इफेक्ट हमें ध्यान है वो रखना है। खैर चलो, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे बिमस्टेक के बारे में तो उसके तरफ फोकस है वो करते हैं। जैसा कि देखो, नेपाल ने मना इसलिए किया है कि नेपाल का ऐसा तर्क है कि देखो भाई, हम हमारी पड़ोसी कंट्री है वो किसी के साथ भी मतलब इस तरीके एक्सरसाइज करके आपस में रिलेशंस को नहीं बिगाड़ना चाहते। और इसी के साथ ही अहम बात यह है, कुछ लोगों का तर्क दिया जा रहा है कि देखो नेपाल है वो चाइना मतलब कार्ड वाले चाइना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसलिए उन्होंने मना किया है। कुछ लोग के द्वारा रीजन दिया जाता है कि नेपाल की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने विरोध वगैरह किया है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो यही बनता है कि बिमस्टेक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में एक्चुअली इस बार नेपाल ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो इंडिया में महाराष्ट्र में कंडक्ट है वो करवाए जाने की बात है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में वो रखने हैं। देखो, अभी रिसेंटली इसी साल के स्टार्टिंग में आपको पता है कि मिलन एक्सरसाइज होने वाली थी, उसमें भी मालदीव ने मना किया था। क्योंकि आपको पता है कि मालदीव के साथ इंडिया के रिलेशन है वो भी ऊपर नीचे हो रहे थे, लाइक चाइना की चाइना जैसे कि वहाँ पे अपने कार्ड है वो खेल रहा था। तो यूपीएससी की बार ऐसे इफेक्ट्स को देखने की कोशिश है वो करती है, तो हमें इन इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मोबिलाइज योर सिटी इनिशिएटिव के बारे में। देखो, ये मोबिलाइज योर सिटी इनिशिएटिव है, यह एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, मतलब इंटरनेशनल लेवल का ये इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल लेवल का ये कैंपेन है। क्या है इसमें, देखो बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 21वीं, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत, जिसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात है वो की गई थी, और पेरिस क्लाइमेट चेंज था 2015 की बात है बेसिकली, उसके तहत ही मोबिलाइज योर सिटी इनिशिएटिव को स्टार्ट है वो करने की बात है वो की गई थी। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है, अभी कंटेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड की 100 सिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है ताकि उन सिटीज में अर्बन मोबिलिटी प्लानिंग है उस पर फोकस किया जाए।
और इसी के साथ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उस पर फोकस किया जाए कि वो कम से कम हो। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब ये मान लो कि 100 सिटी आइडेंटिफाई की गई हैं, इंडिया की भी 3 सिटी इसमें आइडेंटिफाई की गई हैं, तो उनका नाम भी हमें ध्यान रखना है, जैसे कि कोची, नागपुर और अहमदाबाद। तो ये मान लो कि किसी भी सिटी, जैसे कि देखो दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर मेट्रो काफी अच्छी, मतलब कब से डेवलप है वो हो रही है, और मेट्रो का जो कॉरिडोर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखो मेट्रो के डेवलपमेंट से काफी कुछ फायदा होता है, एक तो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कम होता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग वो मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, तो इससे जो भी पेट्रोल डीजल है इनकी खपत कम होती है, पोल्यूशन कम होगा क्योंकि मेट्रो है वो लाइट से चलती है। तो काफी सारे फायदे हुए ना, एक तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हुआ, कार्बन रेटिंग में भी फायदा हो रहा है, इसी के साथ ही ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी और अच्छी होती जा रही है। तो ऐसी चीजों पर फोकस किया जाएगा। तो अभी इसमें होगा क्या, इसमें जो 100 सिटी आइडेंटिफाई की गई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन सिटीज के ऊपर ई व्हीकल वाले एरिया पे फोकस किया जाएगा, या फिर मेट्रो जैसे एरिया पे फोकस किया जाएगा। जैसे कि देखो दिल्ली के अंदर तो काफी अच्छी है चलो मेट्रो, फिर भी और ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा और सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंडिया की 3 सिटीज मैंने आपको भी बताया, कोची, नागपुर और अहमदाबाद। तो आप कोची का एग्जाम्पल ले लो कि अगर कोची के अंदर मेट्रो कॉरिडोर नहीं है या वहाँ पे काफी स्लो है, तो उसके मतलब कॉरिडोर को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि कार्बन रेटिंग जो है, मतलब कार्बन एमिशन है, उसको कम से कम किया जा सके, और वहाँ पे ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस तो बढ़ेगी और इसी के साथ ग्रीन हाउस का एमिशन है वो कम होगा। और इसी चीज को फोकस करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज हमें ध्यान है और अपनी की इसका मेन मोटो क्या है। अब देखो बात करते हैं इसमें फंडिंग की, जिसको फाइनेंस कौन करेगा। तो जो मोबिलाइज योर सिटी इनिशिएटिव है, इसको फाइनेंस करने का काम है वो है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन के अंदर बेसिकली एशिया एक जगह, मतलब एक फैसिलिटी है जिसका नाम है एशिया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। ये एशिया इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है, ये बेसिकली इसको फाइनेंस करेगी, और इसी को जो इम्प्लीमेंट करने का काम है सारा वो किया जाएगा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया की 3 सिटी आइडेंटिफाई की गई है, और इंडिया में जो 3 सिटी आइडेंटिफाई की गई हैं उनकी नोडल एजेंसी कौन सी है वो भी हमें ध्यान है वो रखनी है, वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, वो इसकी एक नोडल एजेंसी के तौर पे उसको पॉइंट है वो क्या गया है। तो ये कुछ 2-4 फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। देखो आप जब भी, जैसे कि हम डेली डिस्कशन करते हैं, तो आप जब भी अगले, जैसे कि आज हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो इससे पहले आप क्या करो कि जो भी कल की डिस्कशन थी ना, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लिया करो। इससे क्या होगा कि 2-4 मिनट लगेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, जब तक हम रिविजन नहीं करेंगे तब तक हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी तो क्या कि काफी लोगों को, बच्चों को ऐसे लगता है कि नहीं यार अभी तो काफी टाइम है, दिसंबर के बाद हम रिवीजन कर लेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, चीजें जो भी हैं उनको अभी क्लियर करते हुए चलो, ताकि बाद में एक साथ वर्कलोड नहीं बढ़ो। हो सकता है बाद में कुछ सडन ऐसी चीज आई, क्योंकि देखो दिसंबर के बाद में आपको पता है इकोनॉमी सर्वे बजट काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो उन सब की तरफ फोकस करना और करंट अफेयर बहुत सा कंटेंट वहीं इतना हो जाता है, तो हमें बाद के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी कंटेंट है वो सारा हमें अभी प्रिपेयर करके रखना है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी हम चीजें छोड़ते चले कि यार बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं देखा जाएगा, फिर वही एग्जाम में प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेटर यह है कि सारे फैक्ट्स को भी साथ लेके हुए हम आगे चलें, तो हमारे जो डाउट्स वगैरह वो भी क्लियर होते हुए रहेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है फोर्थ वर्ल्ड समिट को लेकर, इसके बारे में, वर्ल्ड समिट ऑन एक्रीडेशन के बारे में, WOSA 2018 के बारे में। देखो चौथा वर्ल्ड समिट अभी है वो इंडिया के द्वारा होस्ट है वो किया गया है। इसके पहले 3 समिट हुए थे 2012 में, 2014 में और 2016 में, वो भी इंडिया ने बेसिकली होस्ट है वो कहे थे। किसके द्वारा ये होस्ट किए गए थे, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के द्वारा। एक्रीडेशन का मतलब होता है मान्यता देना, तो मान्यता का जो बोर्ड है उसके द्वारा इसको होस्ट है वो किया गया था। है क्या पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सबमिट क्या हो रहा है, क्या इसमें मेन बातें। देखो जो ये फोर्थ सबमिट हो रहा है एक्रीडेशन को लेके, इसका मेन मोटो ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे एजुकेशन हो या और भी तरह के इंस्टीट्यूट हो, उनके अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट की बॉडी होती है, वो उनको मान्यता एक्रीडेशन देती है कि हाँ भाई ठीक है आपको अप्रूवल मिला है, अब आप काम वगैरह कर सकते हो। जिसके किसी को स्कूल वगैरह खोलनी होती है तो उसको पहले MHRD मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उससे मान्यता लेनी होती है, इसके बाद ही स्कूल वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन के एरिया में मान्यता हो या फिर और भी काफ़ी सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे एक्रीडेशन की जरूरत होती है, तो मान्यता की जो गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में बेसिकली इस सबमिट में डिस्कशन वो की जाती है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। इंडिया को भी अपने आइडियाज़ एक्सपीरियंस वो शेयर किए जाते हैं कि इंडिया बताता है कि देखो भाई हमने ये इस बार ये एक पैरामीटर को फोकस किया है, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोलेब्रेशन होता है तो नॉलेज का एक्सचेंज होता है यहाँ पे मान्यता को लेकर,
इसी के साथ ही और अपॉर्चुनिटीज हैं, आउटकम बेस्ड एक्रेडिटेशन पे फोकस किया जाता है, और जो भी चैलेंजेस हैं कि किन किन पैरामीटर्स को यूज किया जाए नहीं किया जाए, कौन कौन से आज के टाइम पे रिलेवेंट है, इन सारे पॉइंट्स को बेसिकली यहाँ पे फोकस करते हुए आगे है वो चला जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है, जो एजुकेशन के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी यहाँ ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब देखो, ये एक तो आपको समझ में आ गया कि 2 साल में एक बार इसको कंडक्ट है वो करवाया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के बारे में। देखो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, यह एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, उसके अंदर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या है इसका? मान्यता की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, उनको एक तरीके से तैयार करना, मान्यता वगैरह देनी है स्कूल कॉलेज वगैरह को, वो सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो कुछ फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेंगलुरु के बारे में है। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने अभी ये नए फीचर्स लाने की बात है, वो क्या है वो देख लेते हैं। इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि भाई जो भी बोर्डिंग पास दिए जाएंगे वो फेस रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से दिए जाएंगे। देखो, अभी तो जो भी बोर्डिंग पास मिलते हैं वो एक्चुअली मैनुअली जाके मतलब कलेक्ट करने होते हैं या फिर ऑटोमेटिक मशीन से कलेक्ट करने होते हैं। तो अभी वहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है कि भाई फेस रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से किया जाए, ताकि पेपरलेस तो काम हो और कम से कम समय में काम है वो डन हो जाए, और ऐसा पहली बार हो रहा है एशिया के अंदर। तो ये फैक्ट बन जाता है कि बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है जिसका नाम में आपको ध्यान रखना है, वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से बोर्डिंग पास है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि एशिया में पहली बार फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो छोटा सा फैक्ट था जो हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है पौंडीचेरी सार्क के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि पौंडीचेरी सार्क है ना, उसको अभी रिसेंटली साइंटिस्ट या रिसर्चर्स के द्वारा ईस्ट गोदावरी रिवर पे फोकस मतलब पाया गया है। ईस्ट गोदावरी रिवर में इसके साक्ष्य से एविडेंस है वो अभी मिले हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे पौंडीचेरी सार्क के बारे में। देखो, बेसिकली एक सार्क की स्पीसीज है, बट इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, मतलब लेंथ सॉरी 3.3 मीटर या मतलब 4 मीटर के सॉरी 4 फीट के आसपास इसकी लेंथ है वो बेसिकली होती है। और इसका लोकल नेम भी थोड़ा हमें ध्यान रखना हुआ है, पालासोरा। तो ये पालासोरा जो सार्क है या पौंडीचेरी जो सार्क है, ये अभी विलुप्त होने के करार पे है, मतलब इसकी संख्या बहुत कम बची हुई है, काफ़ी रेयर ही रेयर देखने को मिलती है। यह IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान है वो रखना है कि पौंडीचेरी सार्क या फिर जो पालासोरा सार्क है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में। इसके साथ ही वर्ल्ड की जो 25 मोस्ट वांटेड लास्ट स्पीसीज हैं, मतलब जो खत्म होने के करार पे हैं, उनमें भी बेसिकली इसका नाम है वो शामिल है। तो कुछ फैक्ट हमें इसके ध्यान में रखने हैं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में कौन सी में कहाँ पाई जाती है। तो ये कुछ ध्यान फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्नो लेपर्ड के बारे में। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि स्नो लेपर्ड है, उसको अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है लिपा आसरा। तो लिपा आसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई है वो किया गया, मतलब यहाँ पे इसको देखा गया है। तो बेसिकली इस वाले एरिया में पाया नहीं जाता था, बट यहाँ पे पाया गया, तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे इसका आवास है, हैबिटेट है वो भी नया बना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लिपा आसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, और इसमें अभी स्नो लेपर्ड के बारे में मतलब एविडेंस मिले हैं। हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो देखो, स्नो लेपर्ड है वो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में, काफ़ी से यह भी विलुप्त होने की करार पे लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया के 4 स्टेट है जिनमें मोस्टली यह पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसी के साथ ही उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, इन 4 स्टेट में बेसिकली यह पाया जाता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चलाया था। तो आपको प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है उसके जो भी फीचर्स हैं, क्योंकि इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में। और हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो यह है उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही पाकिस्तान का यह नेशनल हेरिटेज एनिमल है, और अफगानिस्तान का भी है नेशनल हेरिटेज एनिमल है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल, इसी के साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इसके लिए एक डिक्लेरेशन भी हुई थी, एक उसका नाम भी हमें ध्यान है वो रखना है, क्योंकि उसके आधार पर इसको प्रोटेक्शन की बात है वो की गई थी। इसका नाम था बिस्कोक डिक्लेरेशन। जो ये बिस्कोक डिक्लेरेशन थी, ये बेसिकली स्नो लेपर्ड के जो हैबिटेट है इसको कंजर्व करने के लिए, इसके साथ ही स्नो लेपर्ड को खुद को कंजर्व करने के लिए लाई है वो गई थी। तो ये UPSC पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड है, इसके साथ स्नो लेपर्ड के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।